सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी उठे हैं, टाइम 9 बजने वाले हैं, काफी लेट। और आज होली भी है, अपने इधर सब लोग होली सेलिब्रेट करते हैं, बट अपन ट्रेडर हैं तो ट्रेड तो करना पड़ेगा, बिना ट्रेड किए कैसे होगा। और वैसे ही मार्केट मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी बेरिश है। न्यूज चेक कर लेते हैं एक बार, थोड़ा ग्लोबल मार्केट कंडीशन देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट बेरिश है, इंडियन मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, तो बेरिश ही रहना पड़ेगा मार्केट के अंदर, बुलिश व्यू रख नहीं सकते। तो चलिए सिस्टम ऑन करके एक बार ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ग्लोबल मार्केट कैसे देखा जाता है, किस तरीके से ग्लोबल सेंटीमेंट आपको पता करने चाहिए। सो SGX निफ्टी जो अपना है वो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है। रीजन है जो पोवेल साहब है उनने कुछ नेगेटिव न्यूज दिया है, उनने बताया कि ब्याज दरें काफी तेजी से और बढ़ सकती हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से US मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट आई थी। और अपना SGX निफ्टी भी गैप डाउन दिखा रहा है 150 पॉइंट। तो चलो देखते हैं कि क्या लेवल्स अपने बनते हैं, किस तरीके से अपने पास मार्केट की सिचुएशन चल रही है ओवरऑल, चलो देखते हैं। सो अगर मैं अपन निफ्टी को देखता हूँ, निफ्टी ठीक है, पहले मुझे SGX निफ्टी देखना पड़ेगा। SGX निफ्टी जो दिखा रहा है लेवल, ये ऊपर पंप किया है, डंप किया है, एक सपोर्ट लेवल के आसपास झुका है SGX निफ्टी। तो SGX निफ्टी तो 150 पॉइंट का गैप डाउन। नास्डेक फ्यूचर, डाउ फ्यूचर ऑलमोस्ट फ्लैट। डाउ जोन्स क्या हुआ था, डाउ जोन्स बहुत बुरी तरीके से था, इसने भी क्या किया, परसों रैली थी, पंप किया, यहाँ पर डंप कर दिया, मतलब पूरा एक ट्रैप कर दिया है। और इसने भी वो ही किया है, ये अभी सपोर्ट लेवल पर रुका हुआ है। ना अपना नास्डेक, S&P को देखते तो ये भी अपना, ये भी वही पंप एंड डंप चल रहा है यहाँ पे। और अगर हम इंडिया विक्स एक बार देख लेते हैं, इंडिया विक्स क्या कहता है, इंडिया विक्स तो मार्केट ओपन के बाद बताएगा, लेकिन अभी 13-12 कुछ पे है। अगर मार्केट ओपन होता है ये 13-14 के आसपास जाता है, चलो देखते हैं इसको भी। तो लेवल्स की बात करते हैं निफ्टी पे। निफ्टी में मेरा क्या है, पहले से लेवल्स बने हुए हैं, मैं ऐसे रात रात को बैठ के नहीं बनाता है, मेरे सारे लेवल्स पहले से ही बने रहते हैं, बस उनको ही आगे को एक्सटेंड करते जाता हूँ, क्योंकि लेवल्स तो सेम ही रहने, कोई लेवल बदलेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या था, एक रेंज बनाया मार्केट ने, और एक ये ट्रेंड लाइन भी आ रही, इसको तोड़ा था, वापस इसके अंदर आया, रेंज बनाया, फिर एक शार्प मूव दिया। तो यहाँ पे एक शार्प रैली आई, एक पुल बैक आना तो बनता है, लेकिन डायरेक्ट ये मार्केट 150 पॉइंट नीचे खुल रहा है, 600 के आसपास खुल रहा है मार्केट, ये इस लेवल पर खुल रहा है। तो 600 के आसपास खुल रहा है, ये लेवल यहाँ पर टिकता नहीं, यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेता है, यहाँ से बाउंस बैक नहीं देता है, तो इसके नीचे अगर निकलता है मैं शॉर्ट पोजिशन बनाऊंगा, पुट साइड में ट्रेड करूंगा, क्योंकि बहुत अच्छा टारगेट मिल जाएगा, सीधा पंप एंड डंप वाला शार्प मूव आता है, बहुत तेजी से आता है। तो देखते हैं अगर इसके नीचे निकलता है तो मैं यहाँ पर ट्रेड देखूंगा यहाँ पर अपना। और बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में करता नहीं, बट बैंक निफ्टी में इसलिए मेरे कुछ लेवल ऐसे बने नहीं है, इसको लेवल्स को एक्सटेंड करते आएगा, क्या लग रहा है इनकी कंडीशन। हाँ नीचे अब ब्रेकआउट देखिए निकला था मार्केट, इसका हाई यहाँ पे भी रिश हुआ था, और एक नीचे से ट्रेंड लाइन भी आ रही है, ये भी एक ट्रेंड लाइन का काम कर सकती है हमारा बैंक निफ्टी में। ये तो बैंक निफ्टी में इतना करता नहीं ज्यादा, लेकिन मेरे को अभी निफ्टी पकड़ना है। वैसे भी कल आज वेडनेसडे है, और एक कल एक्सपायरी है, तो आज मूवमेंट आएगा अच्छा खासा, किसी एक डायरेक्शन तो मूवमेंट आएगा, कहीं भी आए प्रीमियम भागने चाहिए। वहीं अगर हम फिन निफ्टी की बात करें, फिन निफ्टी में लेवल ड्रॉन है, मेरे सारे लेवल्स बने हुए हैं ऑलरेडी, कहाँ कहाँ से कितना क्या नीचे आएगा, क्या करना है, सब देख बना के रखे हैं। तो फिर निफ्टी में आज ट्रेड तो करूंगा नहीं, आज मेरा सिर्फ टारगेट निफ्टी है, निफ्टी को पकड़ेंगे, निफ्टी बेरिश रहेगा तो मैं निफ्टी में पुट साइड में ट्रेड प्लान करूंगा। चलो देखते हैं क्या होता है अभी प्री ओपनिंग में। सो प्री मार्केट ओपनिंग यहाँ पर आज ये दिख रहा है, निफ्टी जो है हमारा वो खुल रहा है ऑलमोस्ट 45 पॉइंट, 172 पॉइंट। बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, निफ्टी IT को देख लेता हूँ मैं, निफ्टी IT का चार्ट ये था, निफ्टी IT में डायरेक्ट क्या हुआ, पंप हुआ मार्केट, पूरा डंप करने आ गया। देख रहे हो यहाँ पर एक सपोर्ट है, ये तोड़ता है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर कुछ बनेगी निफ्टी IT का भी, ट्रेंड लाइन में यहाँ पर ड्रॉ करके बताता हूँ कि क्या होगा यहाँ पर एग्जैक्टली, यहाँ तक वहीं पर ही खुल रहा है। अगर यहाँ पर सपोर्ट लेके बाउंस बैक करता है तो हमें निफ्टी में बुलिश जाना पड़ेगा। अगर IT सेक्टर वीक आता है तो फिर निफ्टी में हमें लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, ये 17600 के लेवल पर टिकेगा नहीं फिर, तो निफ्टी को अब वॉच करते हैं, क्योंकि माइनर सा गैप डाउन दे रहा है। हाँ हमारा SGX निफ्टी 150 पॉइंट दिखाता है, ये 45 पॉइंट, तो कोई मैच ही नहीं हो रहा है। बट ग्लोबल न्यूज़ जो है थोड़ा सा नेगेटिव आई थी, या पोवेल साहब की न्यूज़ नेगेटिव है, इफेक्ट तो कहीं ना कहीं पड़ेगा, बट IT होल्ड करता है तो निफ्टी भी होल्ड करेगा, IT डाउन
निफ्टी डाउन, बाकी बैंक बैंक को देखते हैं बैंक अपना कहाँ खुल रहा है, ये लोअर लेवल्स पे खुल रहा है बैंकिंग, तो ये हेड एंड शोल्डर ऐसा कुछ टाइप का पैटर्न, हाँ इसके नीचे ही खुल रहा है, तो बैंक निकलता है तो फिर और बढ़िया, बैंक के पास तो स्ट्रेट टारगेट है, यहाँ सपोर्ट एरिया के आसपास ही खुल रहा है। चलो देखते हैं, लेट्स सी क्या ट्रेड बनता है हमारा। सो मार्केट यहाँ पे अभी मैंने जो एग्जैक्ट बताया था 17600 के लेवल पर सपोर्ट लेगा, लेने के बाद एक शार्प कैंडल आया, मैंने एंट्री की थी उसमें, बट मैं थोड़ा सा मार्केट ऑर्डर पर उठा दिया, वो 50 के अराउंड मेरे को मिला 17700 की कॉल ऑप्शन, और जिसको मैं उसके बाद मार्केट ने उतना खास मोमेंटम दिया नहीं, तो उसको मैं ऑलमोस्ट 30,000 के लॉस में उसको मैंने काटा है, तो देखते हैं उसको क्या रहता है उसका आगे कोई ट्रेड मेरा बनता है तो। ये 17700 की कॉल ऑप्शन देखो, ये मैंने ये मोमेंटम फर्स्ट कैंडल दिया, सेकंड कैंडल में मैंने मार्केट ऑर्डर उठाया, ये मेरे को 50 का राउंड मिला, थर्ड इसी कैंडल में मैंने उसको निकाल दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा था, ये लेवल मैंने बना रखा है, ये रेजिस्टेंस था, मैं मोमेंटम सोचा था एक मोमेंटम दे दिया नहीं, मेरे को मार्केट ऑर्डर में थोड़ा सा लेट मिला, इसीलिए मैं मार्केट ऑर्डर लगाता नहीं हूँ क्योंकि मार्केट ऑर्डर में स्लिपेज बहुत लंबा हो जाता है जब मार्केट ऐसे शार्प मूव देता है, तो इसमें मैं 30,000 का अपना ही लॉस बुक करके काट चुका हूँ उसको। चलो देखते हैं, इधर ऑप्शन का मैंने चार्ट लगाया हुआ है, 17600 की पुट और 17700 की कॉल, ये बीच में निफ्टी का है, देखते हैं किधर शार्प मूव आएगा, उधर कोई ट्रेड प्लान होगा तो करूंगा, अदरवाइज लेट्स सी। सो जो अभी 30,000 का जो लॉस था उसको कवर करके ऑलमोस्ट 11,000 के लॉस में मैं ला चुका हूँ, 20,000 मैंने उसमें कवर अप किया है, और वो कैसे किया चलिए बताता हूँ। तो क्या था, मार्केट ने वापस से एक रिट्रेसमेंट दिया, फिर एक ये आपका कैंडल दिया इसने ग्रीन, इस जगह पे सब रिट्रेस देके वापस से जब जा रहा था, तो मैंने यहाँ पे एक वॉच स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड लिया, सो जो लॉस था ऑलमोस्ट 30,000 का वो 11,000 पे रह गया है। अब अगर कोई आप मेरे को एक अच्छा ट्रेड मिलता है तो एक कवर अप पूरा हो जाएगा। तो ये है कि अगर आपका एक ऐसा लीक पहले हिट हो जाता है या आप कोई जल्दी से कोई भी ट्रेड आप काट देते हो, तो सेकंड ट्रेड में हमेशा क्या करो, अपनी क्वांटिटी को कम करके रखो, वहाँ पर एकदम से बड़ी क्वांटिटी पंचअप नहीं करनी थी, वहाँ पर कम करा, पहला आपका टास्क होना चाहिए कि हाँ कैसे आप जो लॉस है उसको रिड्यूस कर दिया, उसका कुछ हिस्सा कम करें, आपको सीधे उसको कवर अप करने मत जाओ कि पूरा का पूरा कैपिटल डाल दिया और कवर कर लिया। लेट्स सी अगर ये मार्केट अभी क्या बना रहा है, सपोर्ट लिया था एग्जैक्ट इस जगह पर, प्लान किया था मैंने बट मेरे को एंट्री नहीं मिला, यहाँ पर मिला, तो यहाँ पर पहले यहाँ पर मेरा एसएल हुआ था, यहाँ पर मैंने वापस एक ट्रेड लिया और ये उसमें थोड़ा सा कवर अप कुछ यहाँ पर रेंज बना के अगर निकलता है, चलो देखते हैं क्या आगे परफॉर्म होता है, कैसा आगे ट्रेड बनता है। सो मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज चल रहा है, जोन बना के रखा है, होली चल रही है यहाँ पर, अपन होली भी नहीं बना पा रहे खेल पा रहे ना कुछ हो पा रहा है, एक रेंज बना था, लगता है सारे के सारे होली खेल रहे हैं, आधा इंडिया तो आज ही होली खेल रहा, आधे ने कल खेल लिया, हमने ना कल खेला ना आज खेला। देखो मार्केट की कंडीशन दिखाता हूँ क्या चल रहा है, ये देखो ये क्या है, रेंज बना के रखा है पूरा मार्केट ने, ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस के प्रीमियम ऐसे गिर रहे हैं इतना गंदी तरीके से गिर रहे हैं, ऑप्शन के प्रीमियम कुछ आ ही नहीं रहा है जंप वगैरह, ठीक है प्रीमियम भी इतने कम है, तो एक रेंज है, अब देखते हैं ये रेंज अगर निकला तो उसके बाद एक रैली मिल सकता है, किसी भी साइड एक ट्रेड मिल सकता है, तो वो प्लान करेंगे, अदरवाइज फिर देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। और जो मेरा जो प्रॉफिट जो था वो ऑलमोस्ट वही चल रहा है बस, ये जो मैंने कवर किया था, अब एक अगर एक ट्रेड मिलेगा तो ऑलमोस्ट एक कवर हो जाएगा, और ग्रीन में मेरी होली अभी यहाँ पर समाप्त होगी, फिर हम खेलेंगे होली। सो ऑलमोस्ट रेंज ब्रेकडाउन दिया, पुट साइड में ही ट्रेड प्लान किया मैंने, और पुट साइड की ट्रेड में ऑलमोस्ट 1:1 का मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड इश्यू था, और वो कवर होके ऑलमोस्ट 40,000 के प्रॉफिट में मैंने अभी क्लोज कर चुका हूँ, अभी फर्स्ट हाफ ही हुआ है, 12 बजे, तो दिखाता हूँ मैं अपनी पोजिशन कहाँ पर मैंने लिया था। सो ये था मेरा ट्रेड पोजिशन, यहाँ रेंज बनाया था मैंने, बताया था रेंज के बाद रेंज वापस से ट्राई किया, फेल हो गया, नीचे आया, ये कैंडल बिग कैंडल, इस बिग कैंडल के आसपास कोई कैंडल आती मैं निकल जाता है, ट्रैप हो सकता था, बट नहीं आया, 1:1 का मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इस पर था, तो अपन ने ये सपोर्ट लेवल है तो मैं यहाँ पर बुक करना ठीक समझा, कहीं भी घूम सकता है, तो यहाँ पर मैंने बुक कर लिया उसको, तो ये हो गया आज का दिन, ऑलमोस्ट 40,000 पे प्रॉफिट पे डन हो चुका है 30,000 के लॉस से, तो लॉस से आप प्रॉफिट में टर्न हो चुके हो, अब इनफ है, अब देखते हैं अगर आगे 2 बजे 3 बजे कोई मूवमेंट मिलता है, अदरवाइज लेट्स सी। सो अभी 2 PM कैंडल आने वाला है, जैसे 2 बजे का कैंडल आता है उस पर स्मार्ट मनी आता है, मतलब कह सकते हो बिग प्लेयर्स एंट्री करते हैं, या जो नए प्लेयर्स होते हैं, नए बिगिनर्स होते हैं, वो मार्केट को ओपन करते हैं, इंस्टीट्यूशन बिग प्लेयर्स मार्केट को क्लोज करते हैं, तो चलो देखते हैं क्या मूव रहता है 2 PM का। ऐसे तो मार्केट अभी बुलिश है बट थोड़ा सा स्टेबल है, बुलिश व्यू दिखा रहे हैं, बट 2 PM पे अगर कुछ मूव आता है, कोई ट्रेड बनता है उसके बाद करते हैं कुछ। सो
जो ट्रेड मुझे मिला वो 2 PM कैंडल पे तो नहीं मिला, उसके बाद में 3 PM कैंडल पे मेरे को ट्रेड मिला था, और वो मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए पहले से प्लानिंग करी थी कि मैं उसको कैसे एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक करती है एंट्री बनाई, कम क्वांटिटी से ही था तो वो ऑलमोस्ट उसमें टारगेट हिट हो गया। तो डे एंड करने जा रहा हूँ मैं 71,000 के प्रॉफिट में। तो चलो ट्रेड एक बार पोजिशन दिखा देता हूँ। सो ये था वो रेंज, मार्केट एक रेंज में था। यहाँ पे देखो इस साइड में थोड़ा सा बियरिश मूव दिखाया ताकि लोग यहाँ पे पुट में एंट्री करें, क्योंकि हाई के आसपास से रिजेक्शन दे रहा था। बट यहीं से इमीडिएटली घूम के 3 PM में हाई ब्रेक किया, मैंने एंट्री लिया, और एंट्री लेते ही विद इन सेम कैंडल वो टारगेट हिट हो गया। और ज़्यादा देर 3 PM के बाद वेट करना ठीक नहीं है, एक मूवमेंट आपको मिल गया, मूवमेंट मिलने के बाद कैप्चर करो और प्रॉफिट बनाओ और निकलो मार्केट से। सो ये था आज मॉर्निंग से लेकर 3 PM इवनिंग तक के पूरे ट्रेड्स, कैसे कैसे मैंने किए, कैसे कैसे एक ट्रेडर पोजीशंस बनाता है मार्केट में, कैसे कैसे एक फुल टाइम ट्रेडर काम करता है। सो ये होती है फुल टाइम ट्रेडर की ओवरऑल मार्केट में 6 घंटा बैठने का एक रूटीन, किस तरीके से ट्रेड्स को सोचता है, देखता है, प्लान करता है। सो गाइस ये था मेरा ओवरऑल एक दिन का रूटीन। मॉर्निंग पे मैं जब 9 बजे अपने ट्रेडिंग सेटअप पर बैठता हूँ, ट्रेडिंग डेस्क पर बैठता हूँ, तो किस किस तरीके से ट्रेड्स हम लेते हैं, किस किस तरीके से ट्रेड्स प्लान किए जाते हैं, और कैसे कैसे उसमें सिचुएशंस के साथ डील करना पड़ता है, कभी लॉसेस होते हैं, कभी प्रॉफिट होता है, कैसे लॉसेस को जल्दी से कट करना होता है, कैसे प्रॉफिट को कंटिन्यू करना होता है, तो वही एक आपको ये प्रोसेस ही आपको एक ट्रेडर बनाता है। आप क्या करते हो, लॉसेस जब होते हैं आप होल्ड करके बैठ रहते हो लॉसेस को, भाई इसको कट कर दो, बात खत्म, लॉस कट कर दिया, पैसा बच जाएगा, पैसा बचेगा उससे फिर ट्रेड कर लोगे, उससे आपको ट्रेड करने के लिए अपॉर्चुनिटी और मिलेगी और उसमें रिटर्न जल्दी बन जाएंगे और जो लॉस है आपका वो कवर हो जाएगा। बट आप लॉस को होल्ड करके बैठ रहे होगे इसी उम्मीद में कि यार ये कैसे ना कैसे करके कवर हो जाए, ये मेरा लॉस कम हो जाए और मेरा पैसा काट दूंगा तो इतना ही रह पाएगा, फिर कैसे जीऊँगा, फिर कैसे ट्रेड करूँगा। तो ऐसा माइंडसेट यहाँ नहीं रखना होता है, आपका लॉस हो रहा है, आपने ट्रेड लिया, जो प्लान किया नहीं हो रहा है, काटो उसको, बात खत्म, आओ एक ऑप्शन बाय दो, नहीं काटोगे लॉसेस में हो जाएगा, चला जाएगा। तो मैंने मॉर्निंग में अपने छोटे लॉस को इमिडिएटली कट किया एंड देन उसके बाद उसको उसी ट्रेड में एक वापस से पोजीशन बना के उसको कवर अप किया थोड़ा सा। जैसे ही कवर अप हो गया वो 30,000 से 11,000 में आ गया, तो 11,000 ऐसा एक था कि इतने तो चार्जेस जाते दिन के, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो ब्रेक इवन होता है। फिर उसके बाद मैंने दो ट्रेड प्लान किए जो एग्जैक्टली टारगेट हिट किए। सो ये है ट्रेडिंग। अगर आप लॉसेस को होल्ड करके बैठ रहते हो, उम्मीद पर ट्रेड करते हो, नहीं, आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन पर करना है कि आप जो आपने जहाँ पर बाय किया, बाय से सेल करने तक के बीच में आपका ट्रेड होता है, पहले क्या सोचा, बाद में क्या सोचा, क्या होगा, क्या होने वाला है, जो दिख रहा है उस पर काम करो। आपको दिख रहा है लॉस, आपका काम उसको काटना, आपका दिख रहा है प्रॉफिट, आपका काम है एसएल को ट्रेल करना, उसको होल्ड करना, ठीक है। तो यही एक ट्रेडर का डेली रूटीन होता है। मैंने ऑलमोस्ट 4 ट्रेड लिए आज, 4 के 4 ट्रेड लेने के बाद मैंने आपको पोजीशन सारी दिखाई। तो 71,000 के प्रॉफिट में मैंने आज के दिन क्लोज किया है, जो कि मैंने 30,000 के लॉस पे स्टार्ट किया था। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको मेरा दिन का ये ट्रेडिंग करने का तरीका पसंद आया, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरा ऐप है, ऐप को डाउनलोड कर लो, और इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ट्रेडिंग को एज ए फुल टाइम करियर चूज करना चाह रहे हैं, उनके साथ शेयर करो ताकि उन्हें पता चले कि ट्रेडिंग में एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे डील करने पड़ते हैं, कैसे सिचुएशन आते हैं। ऐसी वीडियोस में आपके लिए पर डे ट्रेडिंग के ब्लॉग्स में कैसे कैसे ट्रेड्स बनाते हैं, क्या प्लान करते हैं, वो सब करूंगा। और थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम आएगा क्योंकि अभी माइक, मैं गांव पे रहता हूँ घर पे, तो मेरे पास माइक आने में टाइम लग रहा है, अभी ऑनलाइन मैंने मंगाया, आ जाएगा 1-2 दिन में आ जाएगा, फिर वॉइस क्लियर हो जाएगी और अच्छी। तो बाकी स्ट्रेटजीज, बाकी जिन जिन स्ट्रेटजीज में मैं काम करता हूँ, वो सारा आपको यूट्यूब पर मिलने वाला है। मेरा ऐप डाउनलोड कर लो, स्टॉक बर्नर, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें आपको काफ़ी सारा स्ट्रेटजीज वगैरह मिलेंगी, वो मैं उसमें बना के डालूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।